हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे रूटर एप्लीकेशन से पेटीएम वॉलेट में पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूटर एप्लीकेशन से पेटीएम वॉलेट में पैसे विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको रूटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर थ्री लाइंस दिख रही होंगी, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह का विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्वाइंस दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अर्न मोर वाला सेक्शन मिल जाएगा, इस पर टैप कर देना है। फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बटन मिल जाता है रिवॉर्ड का, आप लोगों को इस पर टैप कर देना है। रिवॉर्ड पर टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन सेक्शन आ जाएंगे, गेमिंग मनी एंड रिडीम्ड का। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर गेमिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर गेमिंग के लिए यहाँ पर डायमंड वगैरह ले सकते हो, और यहाँ पर मनी वाले सेक्शन में आपको मनी मिलती है जिसमें आप लोग पेटीएम और गूगल प्ले का यहाँ पर गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ करना है। तो दोस्तों, पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ करने के लिए आपको इनमें से कोई एक ऑफर सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ अपना पेटीएम वॉलेट कितने रुपये है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पेटीएम वॉलेट में 11 रुपए है। चलिए अब मैं आपको विड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर कई ऑफर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक 5 रुपए वाला ऑफर मिलेगा जिसमें आपको 15 दिन में एक बार रिडीम करने का ऑप्शन मिलता है, और 2 रुपए वाला जो 5 दिन में एक बार रिडीम कर सकते हो आप। और यहाँ पर 50 रुपए वाला आप 30 दिन में एक बार रिडीम कर सकते हो, 100 रुपए वाला 30 दिन में एक बार रिडीम कर सकते हो, और यहाँ पर 10 रुपए वाला भी 30 दिन में एक बार रिडीम कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके जितने कॉइन है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको 500 कॉइन वाला यानी कि 2 रुपए वाला यहाँ पर रिडीम करके दिखाने वाला हूँ। रिडीम करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है रिडीम नाउ वाले बटन पर। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखा रहा होगा, और यहाँ पर आपको एक रिडीम नाउ का बटन मिलेगा, इस पर टैप कर देना है। यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक लिख के आ रहा है, चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरा मैं यहाँ पर 5 रुपए वाला करके देखता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 5 रुपए वाले पर क्लिक किया। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, और आप लोगों का यहाँ पर अंडर प्रोसेस लिख के आ रहा है। मेरा यहाँ पर पेटीएम से नोटिफिकेशन आ चुका है, हाय यू हैव रिसीव्ड कैशबैक ऑफ डेट 5 फ्रॉम रूटर, यानी मुझे यहाँ पर जो मनी है वो मिल चुकी है। चलिए मैं अब आपको पेटीएम वॉलेट भी चेक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 रुपए हो गए हैं। मैंने यहाँ पर 5 रुपए वाला रिडीम किया था, यानी कि इंस्टेंटली मेरे पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग भी रूटर एप्लीकेशन से पेटीएम वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।